हेलो गाइस, ये खबर है आप लोगों के लिए। अगर आप अक्षय कुमार के फैन हो तो ये खबर आप लोगों के लिए। और फटाफट आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो चलिए गाइस, ना देर करते हुए मैं आज आप लोगों को कुछ खबरें सुनाने वाला हूँ, खबरें बताने वाला हूँ। गाइस, पहली खबर आ रही है फौलाद की औलाद यानी अक्षय कुमार के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म का गाइस फौलाद की औलाद वापस आने वाला है। आप डायलॉग से ही समझ गए मैं किस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ। जी आपने सही पकड़े, मैं बात करने वाला कर रहा हूँ फिल्म राउडी राठौर 2 के बारे में। जी हाँ, इसकी बहुत बड़ी अपडेट आई है कि ये फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द यानी 2024 से शुरू होने वाली है। और आप सुन के काफी शौक होंगे कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं साउथ के बड़े डायरेक्टर जो अब तक रजनीकांत के साथ काम कर चुके हैं, पार रंजीत। इनने अब तक कबाली एंड काली जैसी फिल्म, काला फिल्म जैसी डायरेक्ट की हुई। अब ये अक्षय कुमार के साथ फिल्म ला रहे हैं राउडी राठौर 2। ये अब प्रोड्यूसर है फिल्म के संजय लीला भंसाली और ये फिल्म की स्क्रिप्ट अब रेडी हो चुकी है और ये फिल्म की जल्द से जल्द ये फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है। अब बता दो 2024 अक्षय कुमार के लिए काफी खास होने वाला, उनकी काफी बड़ी फिल्म उस दिन रिलीज होने वाली और ये अनाउंस भी हुई है। चाहे वो हेरा फेरी 3 हो, वेलकम 3 हो या और फिल्म हो, सब अक्षय कुमार के लिए ये साल काफी स्पेशल होने वाला है और उनके फैन के लिए भी। गाइस, अगली खबर है अयोध्या के बारे में, राम मंदिर के बारे में। आप सब जानते हैं 22 तारीख को काफी बड़ा जश्न होने वाला है और अयोध्या का इनोग्रेशन होने वाला है। उसी दिन काफी बॉलीवुड के एक्टर्स एंड काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया, न्योता दिया गया। अभी वो जस्ट पहला न्योता आया है फिल्म आलिया भट्ट एक्ट्रेस एंड रणवीर कपूर के घर पे, बड़ा न्योता आया और उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है कि बाकी बड़ा इनोग्रेशन है। इस दिन मेरे ख्याल से काफी बड़ा जश्न होने वाला है अयोध्या की दिन, राम मंदिर की स्थापना होने वाली है और बड़ी खुशी का दिन है गाइस हम सब लोगों के लिए। गाइस, मैं आज ऐसी फिल्म के बारे में, भले वो छोटे बजट पे बनी हो, फिल्म ने इतनी धूम मचा दी है सोशल मीडिया को लेके तो OTT प्लेटफॉर्म में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म 12वीं फेल के बारे में। ये फिल्म जब से रिलीज, भले ये थिएटर में रिलीज हुई थी और फिल्म ने थिएटर में भी काफी अच्छा कलेक्शन किया, पर ये फिल्म तब से हॉटस्टार डिज्नी पर रिलीज हुई है भाई, ये फिल्म ने पूरे सोशल मीडिया में धूम, हर कोई ये फिल्म के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, ये फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया अब तक किसी भी बड़ी फिल्म ने नहीं बनाया। ये फिल्म सबसे ज्यादा देखने वाली फिल्म बन चुकी है भाई। तो गाइस, अगर आपने भी फिल्म 12वीं फेल नहीं देखे तो वो यार फटाफट OTT में देख लो। ये फिल्म काफी कमाल की बनी और काफी इमोशनल है और मोटिवेशनल स्टोरी और लोग काफी पसंद कर रहे हैं यार। अब तक की बेस्ट फिल्म में इसे गिना गया है। ये फिल्म डिज्नी प्लस और स्टार पे रिलीज हो गई और काफी धूम मचा ली। आप भी फटाफट जाओ ये फिल्म को देख। और आज बता दूं, आज NTR की फिल्म देवरा का टीजर आने वाला, फर्स्ट टीजर आने वाला है आज 4 बजे, पर मैं इसका रिव्यू कल करूंगा। देखता हूँ आज शाम को 4 बजे फिल्म का टीजर आने वाला, देखते हैं टीजर कैसा हो, टीजर मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी हो फिर फिल्म का टीजर का रिव्यू आप लोगों को जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। बाय बाय।